हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। और पनाश ब्लॉगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह जब भाजी तोड़ रहे थे उसके बाद शायद, हाँ अभी मिल रहे हैं हम लोग। तो शाम हो गई है, शाम के 6 बज गए हैं और बस अब मैं शाम का चालू होगा मेरा। तो आज मैंने सोचा है कि आज गुरुवार है ना, तो मेरे सिस्टर का फास्ट होता है, तो अभी हम लोगों को फटाफट से डिनर बनाने लग जाऊंगी मैं, क्योंकि वैसे भी वो थोड़ी सी कमज़ोर है, ऊपर से फास्ट करती है गुरुवार का, तो जल्दी जल्दी से खाना खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी भिंडी एंड कढ़ी एंड राइस और चपाती। तो चलिए, अभी तो फिलहाल मैं सबसे पहले मेरा लड्डू खा लेती हूँ जो कि उसने ही बनाया है। तो देखिएगा, इसमें बैठ गई हूँ, लड्डू डब्बा तो ऐसे लेके बैठी हूँ जैसे पूरा डब्बा ही खाने वाली हूँ, तो उसमें से मैं एक लड्डू खाऊंगी। ओह वाह, यम्मी यम्मी, बेसन का लड्डू बहुत टेस्टी बनाया, एकदम परफेक्ट। ये भी परफेक्ट ना भी परफेक्ट है। आप भी खा लो। मैंने तभी तक टेस्ट भी नहीं किया ना। खाओ, मम्मी ने बना दिए ढेर सारे रोज एक भी खाएंगे तो 15-20 दिन तो चले जाएंगे। तो मैं लड्डू खाऊंगी और आराम से बैठी बैठी पानी पीऊंगी। स्वीट है तो थोड़ी एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो काम करेंगे फटाफट। भिंडी के साथ ना कढ़ी हो या थोड़ा सा कर्ड फ्राई कर लो या मट्ठा फ्राई कर लो, यम्मी लगता है। और फास्ट के दिन अगर कढ़ी मिल जाए ना तो फिर क्या बात है। मैं अक्सर फास्ट के दिन कढ़ी बनाती हूँ, चाहे इनका हो चाहे मेरा हो, अच्छा लगता है खाने में। रात दिन भर में जब आप शाम को फास्ट खोलते हो ना तो मजा आ जाता है कढ़ी खा के। मैं जस्ट अब भिंडी काटूंगी आप लोगों के साथ में, और फिर सोच रही हूँ इस बार भिंडी भरवा वाली बनाऊँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कैसे बनाती हूँ। ये आ गई हूँ मैं अपनी भिंडी कट करने के लिए। तो भिंडी को ना मैंने थोड़ा, शायद ये 6 बजे अगर मैं कट कर रही हूँ ना, 6:30 बजे, तो ये मैंने कम से कम 4 बजे ना इसको धो धा कर अच्छे से सूखने के लिए रख दिया था। वो बर्तन जो रखा है जिसमें भिंडी ना, उसमें ही रख दिया था मैंने अच्छे से। और फिर उसके बाद फिर सूख जाती ना तो ऐसे एक एक भिंडी पोंछना नहीं पड़ता, फटाफट से हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है काम। और फिर ये मैं कट कर रही हूँ तो आप लोग को बता रही थी, लेकिन वो आवाज़ अच्छे से नहीं आई, बच्चों की आवाज़ बाहर खेलते हैं ना इस टाइम पे तो बहुत आ रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया इस पर। वीर वहीं पर लेट के गेम खेल रहा है मोबाइल में, मेरे पास ही नहीं हुआ। यहाँ पर मैं काट रही हूँ भिंडियाँ, और फिर सारी भिंडी मैंने फटाफट से कट कर ली थी। ये भिंडी मैंने थोड़ा कम मसालेदार बनाई है, बाकी आप चाहें तो और ज़्यादा मसालेदार बनाने के लिए जो मैंने मटेरियल बाद में बताया है आपको, डाला है अदरक लहसुन और प्याज, उसका पेस्ट बनाते हैं ना तो वो ज़्यादा ठीक हो जाता है। अभी मैंने उसको थोड़ा कम रहे इसलिए ऐसा। देखिए, मैं पास दिखा देती हूँ आपको भिंडियों को, मैंने ऐसे दो भाग कर लिए, पहले तो उसको इस तरह के तरीके से कट कर लिया। तो गाइस देखिए, मैंने सारी भिंडी बनाने की सारी तैयारी कर ली है। ये देखिए, मैंने बारीक बारीक अनियन को कट कर लिया है, भिंडी सारी कट कर ली है ऐसे ही जैसे आपको बताया था, ऐसे 4 भाग में। एंड गार्लिक भी थोड़ा सा लिया है, ये इसको भी क्रश कर लिया है। अभी मैं जिंजर को थोड़ा सा कर लूँ, जिंजर को मैं इसके साथ में थोड़ा सा कर लूँगी ऐसे पीस लूँगी। तो बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनती है, जब ये यम्मी लगती है ना, हालांकि मसालेदार है अभी रात के हिसाब से, बट इट्स ओके, कभी कभी चलता है। टमाटर टोमेटो भी देखिए मैंने ऐसे एकदम बारीक 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 कट कर लिए हैं, और आधा और बचा है तो इसको भी कट कर।
आप चाहे तो ये सारी चीजें पीस के भी ले सकते हैं, उसका जो टेस्ट होता है ना उससे भी बहुत अच्छी बनती है सब्जी। लाइक जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड टोमेटो को भी आप पीस लीजिए या फिर पीस लीजिए, जो भी करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्रंची क्रंची लगे करके ऐसे लिया है। बस गैस ऑन, प्याज बहुत लगती है थोड़ी देर में, मैं डालूंगी इसमें जीरा, दबते जाएगी तो उसके अंदर मसाले जाते जाएंगे, लेकिन ये याद रखिए आप इसको बहुत सिमर पकाइए, एकदम सिमर रखते हैं हम इसको ढककर, ठीक है। अब जब तक ये होता है तब तक मैं कढ़ी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। कढ़ी के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मट्ठा रखा था और थोड़ा सा दही, ऐसे दो तीन कटोरी कढ़ी बस बनाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं, फिर सुबह बचती ना तो और खट्टी हो जाती है, वैसे ही दही अभी बहुत खट्टा रह रहा है गर्मी के कारण, तो इसमें से मैं थोड़ा सा दही ले लूँगी, इसको पहले मैं फेंट लूँगी और फिर उसमें बेसन भी मिला लूँगी। बस ये झटपट वाली कढ़ी बनाऊँगी मैं, देखिए यार बहुत सिंपल सी कढ़ी बनाती हूँ एकदम। तो चलिए आप बगा लेते हैं कढ़ी। तो कढ़ी पकाने के लिए तो पहले डाल देंगे अपन ऑयल, एक स्पून काफी है, जीरा राई डाल दिया मैंने सबसे पहले, एंड देन मैं डालूंगी चिली, थोड़ा सा हींग, हींग से तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में, हल्की से चिली हो जाए थोड़ी सी हल्दी,
डालूंगी लहसुन एंड ये ना पहले से डाल दीजिए ना कड़ी पत्ते, तो फिर बहुत जल्दी वो कड़े कड़े हो जाते हैं। फिर मैं लास्ट में डालती हूँ बस लहसुन को, बिल्कुल हल्का सा वो होने देंगे ब्राउनिश। बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता, अलग ही लहसुन लहसुन ही टेस्ट आता है। फिर सिर्फ एक ही गार्लिक डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी धनिया भी डाल दूंगी मैं इसमें, काफ़ी फ्लेवर आ जाएगा। बस तड़का रेडी है, थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है मुझे, तो मैं थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर देती हूँ। कटोरे को भी साफ करेंगे, धनिया डाल देंगे तो उबलते उबलते उसका अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। ये बन गई है हमारी भिंडी, गाढ़ी पूरी अच्छे से बन गई है। हम इसे एक तरफ रख देंगे एंड ये देखिए यहाँ पे बन रही है करी, लग रही है ना यम्मी यम्मी एकदम। इसको भी पका लेंगे थोड़ी देर। फिर चपाती बना के हमने डिनर कर लिया था। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय।